जालौन जेल में बंद दो बंदियों की हत्या के मामले में तत्कालीन जेलर समेत 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई। दरअसल जिला कारागार में 14 साल पहले हुए गैंगवार दो बंदियों की हत्या के मामले में बुधवार को जिला जज की कोर्ट में फैसला सुनाया गया। न्यायाधीश ने मुकदमे में नामजद तत्कालीन जेलर समेत 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 8 अन्य आरोपियों को भी दोषी करार दिया, जिनको गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी। 20 मार्च 2010 को जिला कारागार में मुख्तार गैंग के सदस्य प्रिंस एवं नासिर की गैंगवार में हत्या कर दी गई थी। तत्कालीन जेलर नत्थू सिंह सेंगर ने प्रिंस अहमद और उनके साथियों पर जेल में बम विस्फोट करने पर एवं बंदियों पर ही उसकी हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन गैंगवार में मारे गए नासिर के पिता आयूब खान ने 28 मार्च 2010 को तहरीर दी। आरोप लगाया कि अवैध वसूली न देने पर मारपीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। 14 साल चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई। जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि जिला जज लल्लू सिंह ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है और बुधवार को तत्कालीन जेलर नत्थू सिंह समेत 14 लोगों को आजीवन कारावास एवं 1-1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए योगेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अखिलेश। हाँ, कब में जेल जा रहे? नाजा जा रहा के मतलब जेल में बंद थे हम लोग राइटर से और ये कनाव इन्हीं के बाम समक्ष में रहते थे। इन्हीं ने आदेश दिया। किन्ने? अधीक्षक साहब ने। कनाव अविनाश गौतम। इन्हीं ने आदेश दिया कि इन लोगों को मारो और आज उन लोगों का कुछ हुआ नहीं और हम लोगों को बताओ ना हमने मारा ना पीटा इन लोगों को। हम पे मुकदमा रख दिया, आजीवन कारावास दे दिया। कौन थे जो मरे थे? वो मरे थे प्रिंस अहमद और नाजर। अच्छा, हाँ। तो आप लोग इससे पहले भी तो आपको सजा हुई थी? इसके पहले हमें सजा थी वो तो हो गई पूरी। अब दोबारा हो गई? हाँ जी, आप दोबारा हो गई, उसमें हम रिहा हो गए। हाँ, हाँ। अब जामे आजीवन कारावास सजा दे रही हूँ। 304 में निर्दोष ना किया। कितने लोगों को? 13 लोगों को दे दी सजा। अच्छा, तो कितने लोगों मुकदमा हुआ था? मुकदमा तो दोनों पार्टी थी, क्रॉस केस था। अच्छा, हाँ। तो उन लोगों को कस्टडी। कौन कौन मच गया? कौन कौन मच गया? कौन कौन अभी इसमें? अभी वो अविनाश गौतम अधीक्षक, जेल अधीक्षक, और अखिलेश मिश्रा डिप्टी जेलर। अच्छा। सुनील दत्त मिश्रा। सुनील दत्त मिश्रा, हाँ। ये लोग रह गए। इनका जेलर को नत्थू सिंह सेंगर को भी आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। सुनहरा मौका आपकी अपने शहर कस्बा मोठ में। आप भी देख सकते हैं अपने घर का सपना। किफायती दरों पर प्लॉट उपलब्ध है केसीपी इंटर कॉलेज के पीछे। और ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें मयूर मिश्रा, इलू महाराज। मोबाइल नंबर 7355265058।